छात्रों, कल अपन ने टैक्सेबल और टैक्स फ्री भत्तों के बारे में अध्ययन किया। अलाउंसेज या भत्तों की तीन कैटेगरी आप लोगों को बताई थी, पूर्णतः टैक्सेबल, पूर्णतः करमुक्त और आ जाता है अंशतः करमुक्त भत्ते, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज वे अलाउंसेज होते हैं जो जिनका कुछ भाग करमुक्त होता है और कुछ भाग कर योग्य होता है। इनको अपना अब देखना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कर्तव्य पालन में किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशिष्ट भत्ता। कुछ ऐसे भत्ते होते हैं जो कर्मचारी को कर्तव्य पालन के संबंध में जो वो व्यय करता है या उसके द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसके संबंध में विशिष्ट भत्ते दिए जाते हैं। ये कर्तव्य पालन की पूर्ति के संबंध में है और ऐसा भत्ता उस सीमा तक करमुक्त होगा जितना कर्मचारी ने इसमें से वास्तव में व्यय कर दिया गया। ये धारा 10-14-1 के अंतर्गत आते हैं और निम्न भत्तों को करमुक्त घोषित किया गया। कौन से करमुक्त हैं? लेकिन करमुक्त की ये शर्त लगा दी उन्होंने कि जितनी राशि व्यय कर दी गई है वो करमुक्त है और जितनी व्यय नहीं हुई है वो कर योग्य। उसमें सबसे पहले आता है यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस। स्थानांतरण संबंधी यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए ऐसे भत्ते स्वीकृत किए जाते हैं जिसमें परिवहन का खर्चा और निजी वस्तुओं के पैकिंग के संबंध में किया गया खर्चा और भुगतान इसमें शामिल होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस सामान्य रूप से कर्मचारी का स्थानांतरण किसी अन्य स्थान पर हो जाता है तो उसे उस स्थान के लिए यात्रा करनी पड़ती है। ऐसी यात्रा के संबंध में ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है जिसको TA कहते हैं। TA ये करमुक्त होता है, लेकिन करमुक्त उतना ही होगा जितना कर्मचारी ये कहेगा कि मैंने खर्चा कर दिया गया है। जो खर्चा वो कर देता है वो करमुक्त होता है। सामान्य रूप से ये भत्ते जितने मिलते हैं वो कर्मचारी ये रिपोर्ट करता है कि ये खर्चा हो गया है, तो खर्चा अगर हो गया है तो वो पर करमुक्त है। और अगर वो बचा के देता है कि पूरा खर्च नहीं हुआ, इतना बचा हुआ है, तो जितना बचा हुआ है वो कर योग्य है, बाकी करमुक्त है। तो ये इस संबंध में कर्तव्य पालन वाला पहला भत्ता हुआ ट्रैवलिंग अलाउंस। दूसरा इसमें आता है दैनिक भत्ता। जब कर्मचारी को दौरे पर, किसी टूर पर जाए अथवा स्थानांतरण के संबंध में यात्रा करनी पड़े उसके संबंध में उसको डेली दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। वो कर्मचारी को कार्यस्थल से बाहर जाने के लिए होता है जो उसके वहाँ खर्चे होते हैं, तो ऐसे खर्चों में जो दैनिक खर्चे उसके हो गए हैं और जितनी राशि मिली है उतना अगर खर्चा हो गया तो वो डेली अलाउंस से उसका करमुक्त है। इसी तरह से फिर उसके बाद में आता है सवारी भत्ता, जिसको कहते हैं कन्वियंस अलाउंस CONVEY ANCE।
सवारी भत्ता या कन्वेंस अलाउंस। कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन करने के लिए सवारी पर किए जाने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु जो भत्ता दिया जाता है नियोक्ता द्वारा, वो खर्च करने की सीमा तक करमुक्त होता है, बशर्ते नियोक्ता द्वारा उसे मुफ्त सवारी की सुविधा नहीं दी गई हो। तो ये है सवारी भत्ता, कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, सहायक रखने हेतु भत्ता। कर्तव्य पालन के संबंध में कई बार कर्मचारी को सहायक रखने के संबंध में भी भत्ता दिया जाता है, तो ये भी उसी श्रेणी में आता है कर्तव्य पालन की पूर्ति के संबंध में। शैक्षणिक भत्ता, एकेडमिक अलाउंस, ये भत्ता भले ही किसी भी नाम से जाना जाए, शैक्षणिक अनुसंधान, एकेडमिक रिसर्च एवं अन्य पेशा संबंधी रुचियों को, पेशा संबंधी जैसा वो प्रोफेशन कर रहा है उसके संबंध में, पेशा संबंधी रुचियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत किया जाता है, तो एकेडमिक अलाउंस भी उसको दिया जा सकता है जो इन भत्तों की श्रेणी में आता है। और फिर उसके बाद में एक लास्ट में है वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस। कर्मचारी को यूनिफॉर्म अलाउंस भी दिया जा सकता है। कई सर्विसेज ऐसी हैं जिनमें दिया जाता है, जैसे पुलिस की नौकरी है जहां वर्दी की ज़रूरत पड़ती है, वर्दी पहनते हैं, तो यूनिफॉर्म अलाउंस उनको दिया जाता है। ये सारे जो भत्ते बताए गए हैं वो ऐसे भत्ते हैं जो कर्तव्य पालन से संबंधित हैं, जो कर्मचारी को खर्चे करने पड़ते हैं और उनकी पूर्ति के संबंध में नियोक्ता द्वारा ऐसे भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो भत्ते आए हैं, जो धारा 10-14(1) में वर्णित हैं, उनके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये उस सीमा तक ही करमुक्त होंगे जिस सीमा तक उनको खर्च कर दिया जाता है। करमुक्ति वही उस सीमा तक ही होगी जितने खर्च कर दिए, शेष बची हुई राशि कर योग्य होगी। तो ये कर्तव्य पालन के संबंध में किए गए भत्ते आए, जिनको अपन ने एक पहले पॉइंट के रूप में और कुछ इनके सब पॉइंट देखे जो कर्तव्य पालन के संबंध में। फिर उसके बाद में दूसरा मेन पॉइंट लेते हैं, निजी व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता। अभी तक जो भत्ता मिल रहा था वो कर्तव्य पालन के संबंध में जो व्यय किए गए उसके संबंध में था, अब जो भत्ते मिलने जा रहे हैं वो हैं निजी व्ययों के, उसके पर्सनल एक्सपेंसेज की पूर्ति हेतु भी भत्ते दिए जाते हैं, जो आते हैं धारा 10-14(2) के अंतर्गत। पहले थे धारा 10-14(1) और अब आती है 10-14(2) निजी व्ययों के संबंध में। पहले वाले थे कर्तव्य पालन के संबंध में, निजी व्ययों के संबंध में या निजी व्ययों की पूर्ति के संबंध में जो भत्ते मिलते हैं वो निम्न प्रकार हैं, वो इस तरह से हैं। उसमें सबसे पहले आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कर्मचारी के बच्चों को एजुकेशन अलाउंस के रूप में भत्ता मिलता है और ये भत्ता अधिकतम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है। प्रत्येक बच्चे के लिए अधिकतम करमुक्त राशि 100 रुपये प्रतिमाह, यानी एक साल में एक बच्चे को 1200 रुपये और 2 बच्चों के लिए होगी 2400 रुपये। तो अधिकतम 2 बच्चों के लिए और राशि है अधिकतम 2400 रुपये मिल सकती है। इससे ज़्यादा अगर राशि मिली है तो ज़्यादा वाली राशि
आप टैक्सेबल करेंगे, करयोग्य करेंगे और वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। ये पहला भत्ता हुआ निजी व्ययों की पूर्ति के संबंध में। दूसरा होता है हॉस्टल अलाउंस। कर्मचारी का बच्चा अगर हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल के व्ययों की पूर्ति के संबंध में भी भत्ते दिए जाते हैं, लेकिन उसमें शर्त वही है, अधिकतम दो बच्चों के लिए मिल सकता है। पहली बात तो ये है, अगर एक ही बच्चा है तो एक के हिसाब से मिलेगा, दो हैं तो दो तक मिल सकता है, तीन बच्चे होने पर भी अगर मिलता है तो तीसरे के लिए जो मिल रहा है वो पूर्ण रूप से करयोग्य है। अब दो बच्चों के लिए जो करमुक्ति है वो भी अधिकतम एक बच्चे के लिए 300 रुपये प्रति माह, और 300 रुपये प्रति माह इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष के लिए या 12 माह की अवधि के लिए 12 तीय 3600, 3600 रुपये की राशि एक बच्चे के लिए, और दो बच्चों के लिए करमुक्त राशि होगी 3600 × 2 7200 रुपये, 7200। अगला भत्ता आता है परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को भत्ता। ऐसे कर्मचारियों को दिया जाता है जो परिवहन व्यवस्था में लगे हुए हैं, जो परिवहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने संबंधी कार्य करते हैं। इनको निजी व्यय करने पड़ते हैं, इसलिए ये भत्ता इनको दिया जाता है, और इस भत्ते की जो राशि उनको मिली है उसका 70% भाग करमुक्त, परंतु अधिकतम जो सीमा है इस भत्ते की करमुक्ति की वो 10,000 रुपये प्रति माह तक ही करमुक्त है। यानी ये भत्ता अधिकतम रूप से 10,000 रुपये प्रति माह तक ही करमुक्त हो सकता है, इससे ऊपर करमुक्त नहीं होगा। तो इसमें दो बातें हो गई, प्राप्त राशि का 70% और 10,000 रुपये प्रति माह, दोनों में जो राशि कम है वो करमुक्त होगी। फिर उसके बाद में अगली कैटेगरी में आते हैं स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, विशिष्ट क्षतिपूरक भत्ते। कंपनसेट करते हैं क्षतिपूरक, CompenSat, कंपनसेट। तो इसलिए इनको कहा गया है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। ये कंपनसेटरी अलाउंस से कई तरह के दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले दे रखा है ट्राइबल एरिया अलाउंस। अगर कर्मचारी ट्राइबल एरिया में या जनजाति क्षेत्रों में रहता है या सेवाएं देता है वहाँ, तो उसको ये करमुक्ति मिलेगी 200 रुपये प्रति माह। फिर उसके बाद में दिया हुआ है स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस, जो पहाड़ी क्षेत्रों में कर्मचारी अपनी सेवा देता है उसके संबंध में इन्होंने तीन वर्ग बना दिए ABC। जम्मू कश्मीर या सियाचिन के क्षेत्र में ये भत्ता अगर मिलता है तो करमुक्त राशि 7,000 रुपये प्रतिमा है। जम्मू कश्मीर ठंडा एरिया है, 7,000 रुपये प्रतिमा। और फिर उसके बाद में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सामान्यतः समुद्र तल से 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हैं, उनमें मणिपुर आता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, ये सब हैं, तो वहाँ पर करमुक्ति की राशि है 800 रुपये प्रतिमा। फिर सी पॉइंट में ये बताया गया है कि अभी ए और बी पॉइंट में जो क्षेत्र आ गए उनके अलावा अगर कर्मचारी अन्य क्षेत्रों में सेवाएं दे रहा है और वो क्षेत्र समुद्र तल से 1,000 मीटर अथवा अधिक ऊंचाई पर स्थित है तो इस भत्ते की करमुक्त राशि 300 रुपये प्रति माह, ₹300 per month। ये हुआ आपका, ये तीन पॉइंट हुए स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया, पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनके संबंध में
ए बी सी तीन पॉइंट बना के उनकी करमुक्ति आप लोगों को बता दिए। फिर उसके बाद में अगला आता है तीसरे नंबर का पॉइंट, बॉर्डर एरिया अलाउंस। अगर कर्मचारी दूर दराज के एरिया में, रिमोट एरिया में या बॉर्डर एरिया में अपनी सेवाएं दे रहा है तो इसके संबंध में उन्होंने छह क्षेत्र बना दिए। श्रेणी ए कहती है 300 रुपये प्रतिमा, श्रेणी बी में है 1100 रुपये प्रतिमा, श्रेणी सी में 1050 रुपये प्रतिमा, डी में 750 रुपये प्रतिमा और ई में 300 रुपये प्रतिमा और श्रेणी एफ में 200 रुपये प्रतिमा तक करमुक्त होती है। ये रिमोट एरिया या दूर दराज के एरिया या बॉर्डर एरिया में जो कर्मचारी रहते हैं उनके लिए करमुक्ति की सीमा छह भागों में इसको बांटते हुए। फिर उसके बाद में अगला भत्ता आता है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। फील्ड एरिया अलाउंस कोई अगर कर्मचारी इस तरह के फील्ड एरिया में रहता है जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मणिपुर, नागालैंड, इन एरियाज में अगर वो सेवाएं दे रहा है तो 2600 रुपये प्रतिमाह की दर से करमुक्त होता है। इसका नाम है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, फील्ड में सेवाएं दे रहे हैं। फिर उसके बाद में भत्ता आता है कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस जो है पंजाब, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के कुछ भागों में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, इन समस्त क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से करमुक्त। तो पहले वाला था कंपनसेटरी फील्ड और ये है कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड जो राजस्थान में लागू होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है, 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से। और फिर एक है, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ उपद्रव होते रहते हैं और फोर्सेस को उनको कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है जिसको कहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस। काउंटर COUNTER, काउंटर इंसर्जेंसी INSURGENCY, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, ये है 3900 रुपये प्रतिमाह की दर से। उपद्रव नियंत्रण ऐसे एरिया में भेजा जाता है जहाँ उपद्रव हो रहा है, दंगा हो रहा है और वहाँ कर्मचारी को रहना पड़ता है, तो 3900 रुपये प्रतिमाह। और फिर उसके बाद में आता है परिवहन भत्ता। परिवहन भत्ते की छूट आजकल बंद कर दी गई है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस से की छूट अब बंद है। और फिर उसके बाद में है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू, अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाए अगर टू ब्लाइंड, डीफ एंड डम और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की छूट अब केवल मिलती है जो अंधे हैं या गूंगे हैं या बहरे हैं या अपंग व्यक्ति हैं, हैंडीकैप्ड, उनको ही केवल ये छूट मिलती है। और उनको घर से कार्यालय आने जाने के लिए स्वीकृत किया गया परिवहन भत्ता, घर से कार्यालय आने जाने के लिए स्वीकृत किया गया भत्ता 3200 रुपये प्रतिमाह तक करमुक्त होगा, 3200 रुपये प्रतिमाह तक करमुक्त होगा। फिर है नेक्स्ट अंडरग्राउंड अलाउंस। कई क्षेत्रों से संबंधित कर्मचारियों को ज़मीन के नीचे रह के भी काम करना पड़ता है, जैसे खानों में काम करने वाले कर्मचारी, तो उनके लिए ये अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जाता है जो 800 रुपये प्रतिमाह तक करमुक्त होगा। और फिर है हाई अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मानी होती है ऊंचाई, बहुत अधिक ऊंचाई पर अगर कर्मचारी काम करते हैं उनके संबंध में है हाई अल्टीट्यूड अनकॉन्जियल, जो अस्वास्थ्यप्रद होता है क्लाइमेट अलाउंस। बहुत ऊंचाई के एरिया पर जो काम करते हैं उनके लिए ये भत्ता हाई अल्टीट्यूड अलाउंस। और इसकी करमुक्ति इस प्रकार से है, 9000 फीट से 15000 फीट तक की ऊंचाई वाले स्थानों पर ये लागू होती है 1060 रुपये प्रतिमाह, 9000 से 15000 फीट। और 15000 फीट से भी ऊंचे स्थान पर
1600 रुपये प्रति माह तक, 9000 फीट से कम ऊंचाई वाले स्थानों पर यह कर मुक्ति नहीं मिलती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 9000 फीट से कम ऊंचाई वाले स्थानों पर यह कर मुक्ति नहीं मिलेगी। हाई अल्टीट्यूड अलाउंस, 9000 फीट से ऊपर है ऊंचाई तब ये दो तरह की है, 1060 और 1600 रुपये प्रति माह। और फिर उसके बाद में है स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, जो 4200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। अब लास्ट में आपको ये बता दिया जाए कि धारा 10-14-2 में अपन ने देखा कि ये जो भत्ते हैं वो दी गई सीमा तक कर मुक्त होते हैं। इनके संबंध में कर्मचारी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी प्रकार का वे करे। थैंक यू।